अब भाई सैन, मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का सशांक डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। कविता सैनी, बहुत बढ़िया। सैन बेटा, सैन बहुत बढ़िया। आरती कुंतल, जीतू शर्मा, कुमकुम -कुम, अखिलेश चौधरी, बहुत बढ़िया। सभी को एक बार शेयर मार दो। क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है और हमारा इसके अंदर हम समझने वाले हैं टॉप 25 क्वेश्चन। चैप्टर वाइज चल रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप गति, इसमें हम समझेंगे। ये क्वेश्चन होंगे। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर और ये हम समझने वाले हैं एक एक चीज को बारीकता से। करें कवर। जय हिंद, जय हिंद। अरुण, विजय, राहुल, आ जाओ सभी, आ जाओ। उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन तो आपने सीन कर ही लिया है। ये लो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला, यदि एक वस्तु का वेग 4i+5t से, ध्यान रखना t दे रखा है, मीटर पर सेकंड दिया गया है, तो इसका एक्सेलेशन होगा। इसकी एक्सेलेशन की वैल्यू बतानी है। वैल्यू ऑफ एक्सेलेशन आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में फटाफट फटाफट। आपके पास वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है 4i+5t से, तो आपको एक्सेलेशन बताना है। तो डीवी ओवर डीटी, वेलोसिटी यहाँ पे 0+5t का हो जाएगा 1, और ये से तो ये आ जाएगा आपके पास 5j m/s। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 5। डिफरेंशिएशन कर दिया बिल्कुल। जय हिंद, जय हिंद। क्या कर दिया है, जैसे आप डिफरेंशिएशन करोगे क्वेश्चन खत्म। यहाँ पे टी है नहीं है, यहाँ पे टी दे रखा है, ये रहा। समझ रहे हैं आप कहाँ दे रखा है, यहाँ टी दे रखा है, ये रहा टी, और आंसर आपका कवर। समझ गए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। डोरी के एक सिरे से बंधा हुआ एम द्रव्यमान का एक पिंड है, आर त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जा रहा है, तो मैक्सिमम पॉइंट पे जाकर वेलोसिटी पूछी आपसे। परपेंडिकुलर मोशन है ये, परपेंडिकुलर सर्कुलर मोशन बेटा, परपेंडिकुलर सर्कुलर मोशन, ये वाला क्वेश्चन है। आपके यहां पर वेलोसिटी पूछी आपसे क्या होगी। आर रेडियस है, आर क्या है इसकी, रेडियस, मैक्सिमम पॉइंट पर वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो? हेलो, नहीं हेलो, आप सेल दो। आवाज चली गई थी दोस्तों इस वजह से। कोई बात नहीं, अब ठीक है, आवाज आ रही है। तो आपके पास वेलोसिटी यहां पे √3cl, और यहां पे वेलोसिटी पूछी जाए तो ये होती है √cl। एक तो ये बात ध्यान रखिएगा, बराबर आ गई आवाज। ठीक है, तो एक और दूसरी बात, यहां पे टेंशन टी पूछी जाए तो ये होती है 6 mg, या टेंशन टी पूछी जाए रस्सी में टेंशन टी तो ये होती है बेटा आपके पास 3 mg, और यहां टेंशन टी पूछी जाए तो यहां 0 होती है। हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होती है, यहां पे 0 होती है। तो आपको ये 6 फॉर्मूले आपको याद करने, कर लीजिए आप अच्छी तरीके से। वेलोसिटी याद कर लीजिए तीनों, और टेंशन टी याद कर लीजिए, वेलोसिटी एंड टेंशन टी याद कर लीजिए। समझ गए आप, इसको ध्यान रख याद रखें इसे आप। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन नंबर 3। इससे बोलो क्वेश्चन बड़े डाला करें नंबर। क्वेश्चन नंबर 3,
एक कण 42 मीटर व्यास के गोले के उच्चतम बिंदु पर ब्रह्मावस्था में रखा है, जब से हल्का सा विक्षेपित करते हैं तो यह नीचे फिसलना स्टार्ट कर देता है। आधार से कितनी ऊंचाई पर उछलेगा? देखो एक बात सुनो, जो ये आपको नहीं आता होगा इसलिए आप बेकार के इसको एनर्जी वेस्ट नहीं करें, ये करेक्टर वाले क्वेश्चन है। और ये जो बच्चे लाइव क्लास ले रहे हैं उनके लिए एक नई सूचना देता हूं मैं आपको, ये केवल आपको पता होगा, पूरी इंडिया में गारंटी दे सकता हूं, ये बहुत नई चीज है और बहुत ही गजब की शॉर्ट ट्रिक निकाली है। क्वेश्चन क्या है मैं समझा देता हूं आपको, आप एक बार समझेंगे क्वेश्चन, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ये गोला है और एकदम सॉलिड गोला है, यहां से अगर हम किसी वस्तु को इसके ऊपर लुढ़काएं तो कुछ दूरी तक तो ये लुढ़कती है, फिर उसके बाद इसे ये छोड़ देती है। देखा है आपने, बहुत ध्यान से समझिए, एक गोला है, उस गोले पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये कुछ दूरी तक तो लुढ़क के आएगा संग सरफेस में, फिर कुछ समय बाद ये सरफेस को छोड़ देगा, क्या करेगा, सरफेस को छोड़ देगा। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर रेडियस इसकी आर है तो यह कितनी हाइट पे छोड़ देता है, ये बात क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको बताऊं नीचे की ओर डेप्थ होती है आर बाई थ्री, ये करेक्ट वैल्यू क्वेश्चन है। कोई भी गोले से अगर कोई वस्तु गोल लुढ़क रही है तो वह कितनी डिस्टेंस पर छोड़ देगी, आर बाई थ्री, और टोटल कितना है 2R, ये डायमीटर है 2R। तो अगर मैं इसको घटाऊंगा तो 2R माइनस आर बाई थ्री, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5R बाई थ्री। इसे आप याद रखेंगे, इसे आप याद रखेंगे परमानेंट, याद रखें इसे आप, जब किसी गोले से कोई वस्तु फिसले तो वह किस ऊंचाई पर गोले को छोड़ देगी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, तो इसको आप बराबर याद कर लेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। हाँ भाई, इस चीज को आप याद रखिएगा, तो यानी कितनी हाइट पर छोड़ देगा, यहां से अगर ये टच कर रहा है, टच को हटा रहा है, तो ये आर वाई थ्री पर ये वस्तु को छोड़ देगा और नीचे से कितना आ जाएगा 5R/3। इस बात को अच्छी तरीके से समझ के रखिएगा दोस्त, ठीक है, बरोबर। आ जाइए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन यही कह रहा है आपसे, ध्यान दीजिए कि एक गोला है जिसका डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर दे रखा है आपके पास 42 मीटर, और यहां से हमारे पास कोई भी वस्तु है ये अगर इस सरफेस को यहां पर छोड़ रही है तो नीचे से हाइट पूछी है, तो यहां से कितनी हो जाएगी, यहां से हो जाएगी आर वाई थ्री, लेकिन इसमें क्वेश्चन कहा है कि हाइट एच पूछी है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 5R/3। हमारे पास 2R की वैल्यू जो है वो है 42, तो R की वैल्यू 21 आ जाएगी। मैं अगर R की जगह पे यहां लगा देता हूं तो 5×21/3, 7×21, 7×5 35। ये बहुत बढ़िया है क्वेश्चन, कभी भी मैंने क्लास में नहीं कराया इसके बारे में, बट ये क्वेश्चन मैंने ले लिया था मॉक टेस्ट में तो आपको करा दिया, ध्यान रखिएगा इसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आंसर कितना आ जाएगा 35, 35 मीटर पे यह वस्तु अपने आप इसको 35 मीटर पहले से इसको छोड़ देगी। बढ़िया चीज सिखाई ना आपको, बताओ अच्छी चीज सीखे कि नहीं सीखे आप लोग, हाँ इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें फ्री में सीख रहे हो, गधो एक बार कम से कम शेयर तो मार ही दिया करो, वीडियो को बच्चों को शेयर कर लिया करो, जोड़ दिया करो और पढ़ लिया करो मन से। क्वेश्चन नंबर 4, भूलना मत आर वाई थ्री नीचे और नीचे से 5R/3। क्वेश्चन नंबर 4, पानी से भरी हुई बाल्टी को 2 मीटर त्रिज्या के एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है, घूर्णन का वह अधिकतम आवर्तकाल ताकि पानी बाल्टी से ना गिरे, टाइम पीरियड बताना है आपको। टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर सर्कुलर मोशन को भी हम ऑसिलेशन मोशन कहते हैं, और ये SHM भी होता है क्योंकि वो विदाउट एक्सेलेशन घूम करेगा, और विदाउट एक्सेलेशन ऑसिलेशन जो मोशन होता है उसे हम SHM मोशन कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। बात आ गई समझ में, यानी कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति है और रस्सी से बाल्टी बांधकर ऐसे घुमा रहा है, तो ये जो बाल्टी है ये पानी नीचे क्यों ना गिरे, इसके लिए टाइम पीरियड, तो ये होगा T = 2π√
पहला पोंजी तो 2 पाई अंडररूट एल, एल कितना दिया है 2 मीटर, बटे जी कितना है, जी मान लो 10, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2π/5 सेकेंड, कितना आ जाएगा 2π/5 सेकेंड, तो मेरे पास टाइम पीरियड आ जाएगा 2π/5 सेकेंड, तो 2π का मान होता है 3.14 बटे 5। एक काम करो, शायद आपको ज्ञान होना चाहिए इस चीज के बारे में कि पाई स्क्वायर की वैल्यू होती है 10, पाई स्क्वायर की लगभग वैल्यू कितनी होती है 10 होती है, ज्ञान है आपको इस चीज के बारे में, तो इसको थोड़ा सा जानकारी करिए। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2π, पाई स्क्वायर को अप्रोक्स क्या लिख सकता हूं, 10 लिख सकता हूं, यानी अप्रोक्स यानी कि पाई स्क्वायर की √10, क्या लिख सकता हूं इसे, √10 लिख सकता हूं अपॉन 5। कैलकुलेशन एक अप्रोक्स करनी पड़ेगी, अंदाज से निकालना पड़ेगा। यहां से हमारे पास ये 2, ये हो जाएगा 3.14 के लमसम अपॉन 5, पर उससे कोई फायदा हुआ नहीं है ना, यहां से कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है। 2π/L/g 2 मीटर, जी 10 ले लिया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है कोई दिक्कत नहीं है। 2π/√5, हाँ ये √5 है भाई, सही है, एक बच्चा सही पकड़ लिया बात को, ये √5 है मेरे भाई, तभी कैलकुलेशन मिस्टेक आ रही है, ये √5 है, तो फिर हमारे पास यहाँ इसका फायदा मिल जाएगा। तो मैं इसको काट दूंगा तो कितनी बार कटेगा, √2 बार, तो 2 × √2 2 × 1.414 2×28 तो 2.8 अप्रोक्स 3 सेकेंड, समझ में आया अप्रोक्स कितना आ जाएगा 3 सेकेंड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ऊर्ध्वाधर वृत्त में घूमने वाले एम द्रव्यमान के पिंड के कारण डोरी के निम्नतम बिंदु पर तनाव होगा। हाँ भाई बढ़िया क्वेश्चन है, ये परपेंडिकुलर सर्कुलर मोशन है, अगर कोई बच्चा केवल डायरेक्ट फॉर्मूले याद कर लेता है तो उसके लिए यहाँ दिक्कत है। इसने क्या पूछ लिया, फॉर्मूले की डेरिवेशन पूछ लिया, ध्यान दीजिए, नीचे जब आता है तो नीचे हमेशा एम जी नीचे की ओर लगता है और एम बी स्क्वायर और एम बी स्क्वायर अपॉन आर भी नीचे लगेगा, एम बी स्क्वायर अपॉन आर भी कहाँ लगता है, नीचे की ओर, तभी तो बैलेंस होता है, नीचे की ओर एक और लगता है एम बी स्क्वायर अपॉन आर, याद रखना सेंट्रीफ्यूजल फोर्स सेंटर की ओर केवल तब लगता है जब बिना रस्सी के मूव करेगा, रस्सी से करेगा तो आउटसाइड लगेगा, ये इधर भी एम बी स्क्वायर अपॉन आर और नीचे की ओर एम जी, तो यहां पर रस्सी में टेंशन टी निकालोगे तो आ जाएगा एम बी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी, और यहां पर टेंशन टी निकालोगे तो दोनों एक ही साइड में एम जी प्लस एम बी स्क्वायर अपॉन आर। इसने कहा है डोरी के निम्नतम बिंदु पर तनाव, तो कितना आ जाएगा एम बी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी, बिल्कुल सही है सी, मैंने दोनों बता दिए, उच्चतम बिंदु पर कितना आ जाएगा एम बी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी और लोएस्ट पॉइंट पे कितना आ जाएगा एम बी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी, बात समझ गए आप, बिल्कुल बराबर। क्वेश्चन नंबर 6, एक वस्तु किसी ऊर्ध्वाधर वृत्त के उच्चतम वेग को क्रांतिक वेग से पार करती है, डोरी के क्षैतिज अवस्था में इसका अभिकेंद्रीय त्वरण होगा। बढ़िया क्वेश्चन दिया है, कहने का मतलब है परपेंडिकुलर मोशन में यहां पर एक्सेलेरेशन पूछा है, यहां पे एक्सेलेरेशन की वैल्यू पूछी है कितना होगा, आप जानते हैं सेंट्रीफ्यूजल एक्सेलेरेशन जो होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, जानते हो आप, और यहां पे वेलोसिटी अभी आपने पढ़ी है कितनी होती है अंडर रूट 3gl, कैलकुलेशन लगा दीजिए, वी स्क्वायर यानी 3gl 3gr बटे आर, आर से आर कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 3g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन बेकार के आपको टाइम वेस्ट करवा रहा है, यानी आपका ऐसा कर सकता है कि आपको बहुत ज्यादा टफ लगे, लेकिन टफ है नहीं, वेरी इजी क्वेश्चन। हाँ जी क्लियर हो गया बेटा,
हो गया बेटा, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। प्रक्षेप गति में अधिकतम परास, मैक्सिमम रेंज, आर मैक्सिमम क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन जी, तथा ओटियन काल का वर्ग टाइम पीरियड कितना होता है, टी बराबर होता है 2V sin थीटा अपॉन जी। लेकिन अब आप जानते हैं कि मैक्सिमम रेंज का मतलब क्या है, जब रेंज मैक्सिमम कब होती है, जब थीटा कितना होता है, 45 डिग्री। तो यहाँ पे 45 लगा दोगे, 2V sin 45 अपॉन जी, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, रूट टू से रूट कट जाएगा तो √2V/g। ये मेरे पास आ गया टाइम पीरियड और मेरे पास रेंज आ गई इतनी। इसने कहा है ओटियन काल का वर्ग, इसका स्क्वायर करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 2V² / g²। फिर आपसे पूछा है रेशियो बताओ सर इसका, आर मैक्सिमा अपॉन टाइम पीरियड का स्क्वायर, तो ये V² / g बटे 2V² / g²। जी से जी कट जाएगा, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट जाएगा, जी ऊपर चला जाएगा अपॉन टू, जी होता है 9.8/2, तो हो जाएगा 98/20, इसको हम ले सकते हैं 49/10। बम्बई, बात समझ में आई है, बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है। एक बार देखो ध्यान से, जैसा क्वेश्चन ने कहा है अधिकतम परास, मैक्सिमम रेंज होती है आर मैक्सिमम वी स्क्वायर पॉन्जी, कब होती है, जब थीटा 45 होता है, तो थीटा का उसके यहाँ यूज कर लिया, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन है तो एक ही बार बार तो नहीं हो रहा है, 7 हो गए। क्वेश्चन नंबर 8, एक लड़का एक पत्थर को अधिकतम 10 मीटर ऊंचाई तक फेंक सकता है, लड़का उसी पत्थर को जिस अधिकतम 36 दूरी तक फेंक सकता है होगा, फटाफट आंसर दीजिए, बहुत गजब का ट्रिक है, याद रखिए इसे, ट्रिक से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कोई व्यक्ति किसी बॉल को मैक्सिमम हाइट एच तक फेंक सकता है, तो रेंज में वो 2H फेंक सकता है, याद रखना, ठीक है दोस्तों। अगर कोई भी व्यक्ति है वस्तु को हाइट में एच तक फेंक सकता है, तो रेंज में कितना फेंक सकता है, 2H, यानी कि अधिकतम ऊंचाई कितने तक, 10 तक फेंक सकता है, तो पत्थर को अधिकतम 36 दूरी कितना फेंकेगा, 20 मीटर। तो राइट आंसर इज ए बम्बई, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बी, नॉट डी। भाई उसी में दो बार फेंक रहा है तो दो का अंतर आएगा, क्या बार फेंक रहा है, दो बार, ठीक है। अगर एक ही प्रोजेक्टाइल मोशन होता, ये बात समझ रहे हैं, तो इस एच के कंपेयर में ये हो जाता आपके पास 4H, ये अलग अलग फेंक रहा है, ये दो बार फेंक रहा है, दो बार फेंका है, और ये एक बार फेंक रहा है, एक बार में ही। ये दो कंडीशन होती हैं, एक तो होता है आर बराबर 4H या एक होता है आर बराबर 2H, तो वही चीज है, तो आर की वैल्यू है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझ के रखो, आप आंसर 40 दे रहे हैं, गलत थे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक कण किसी समतल में नियत त्वरण से किंतु प्रारंभिक वेग की दिशा में भिन्न दिशा में गति करता है, तो कण का बिंदुपत होगा। एक बार समझो, नियत त्वरण से एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव करने वाला कौन होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, एक नियत त्वरण से गति करने वाला, क्योंकि यहां भी एक्सीलरेशन जी है, 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 यहां भी एक्सीलरेशन, सब जगह जी एक्सीलरेशन है, नियत त्वरण से, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंजेबल है, बात समझ गए बेटा। तो ये क्या होता है, पैराबोला है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन को क्या बोलते हैं, पैराबोला, एक परवल है, सी आंसर। क्वेश्चन में जो कहा उसको समझो पहले आप आराम से, क्वेश्चन ने कहा एक कण किसी समतल में नियत त्वरण से किंतु प्रारंभिक वेग की दिशा से भिन्न, यहां से दिशा से पहले दिशा अलग, अलग दिशा, हर क्षण डायरेक्शन अलग अलग है, समझ रहे हैं आप, ये कंडीशन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 10, एक 19.6 मीटर ऊंची ऊंची मीनार की छत से एक गेंद को इतने मीटर पर सेकंड के वेग से क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित करता है, कितने समय पश्चात गेंद सतह तक टकराएगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्या कर रहा है आपके लिए क्वेश्चन, समझो क्वेश्चन को,
कि यहां है कोई व्यक्ति जो कितने पर खड़ा है, 19.6, और बॉल को ऐसे फेंक रहा है कितने से, 5 मीटर पर सेकंड से, तो बॉल कितने टाइम में पृथ्वी पर पहुंचेगी? पहले समझो क्वेश्चन को। एक बात बताओ, देखो ये वेलोसिटी दे रखी है तो वेलोसिटी लीनियर है, और नीचे लाने वाला कोई वेलोसिटी नहीं, नीचे की वेलोसिटी क्या है, 0, और बॉल जब नीचे जा रही है क्षैतिज दिशा में नहीं, तो सीधे सीधे एक ट्रिक लग जाएगी कि एच हाइट से किसी बॉल को छोड़ा जाए तो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी। तो सीधे सीधे टाइम बराबर कितना आ जाएगा, 2v/v² टी बराबर कितना आ जाएगा, √2h/g, ये लग जाएगा √2h/g, ये शॉर्ट ट्रिक लग जाएगी डायरेक्ट। तो हमारे पास टू एच कितना है, 19.6/9.8, इससे कट जाएगा 2 बार, तो आंसर आ जाएगा 2 सेकेंड। बम्बई, राहुल सर आपने ये बताया था कंसेप्ट, थैंक यू बेटा, आपको याद तो है कम से कम, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन कैसे लिए बताओ पहले, फर्स्ट क्वेश्चन है कि नहीं है, अच्छी प्रैक्टिस हो रही है आपके लिए। वेरी गुड, जो यहाँ समझा रहे हैं उसको भी याद करके रखो, आप क्लास तो पढ़ ही रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन जो चीज आप यहाँ भी सीख रहे हैं उसको भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 11, वह प्रक्षेपण कोण जिसके लिए प्रक्षेप की क्षैतिज परास व अधिकतम परास ऊंचाई बराबर होती है, R=h होता है, R=h कब होता है ये पूछा है आपसे, R=h कब होता है, R=h कब होता है, थीटा का मान बताना है। तो बेटा याद रखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन में गजब की ट्रिक है, आप इसे याद कर लीजिएगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसमें ये R और H के बीच में गजब का रिलेशन होता है थीटा पर। तो यानी थीटा पर अगर हम किसी भी वस्तु को फेंकें V वेग से, तो R बराबर होता है 4h cot थीटा, R बराबर क्या होता है, 4h cot थीटा। गुड, ठीक है, तो R, इसने क्वेश्चन कहा है R=h है, तो ये कट जाएगा, तो यहां से tan थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो 4 आ जाएगी, तो थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 4, और tan इनवर्स 4 को हम 76 डिग्री कहते हैं, आंसर आ जाएगा सी। बहुत गजब की शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद कर लीजिएगा, ये शॉर्ट ट्रिक जो है R=4h cot थीटा, बात समझ गए आप, ये परफेक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, गैलीलियो के नियम के अनुसार किसी पिंड का कोण 45+θ और 45-θ पर प्रक्षेपित किया जाए, तो उसके द्वारा तय की गई क्षैतिज परासों का अनुपात बताइए, रेंज रेशियो बताओ, 45+θ या 45-θ, रेंज रेशियो बताइए। आप जानते हैं 45 पर मैक्सिमम होता है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है ये 45 अगर हुआ तो ये मैक्सिमम रहता है, मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, इससे आप जितना नीचे चले जाएं और उतना ऊपर चले जाएं सेम ही रहेगा, ये थीटा ये भी थीटा, तो ये आपका आर एक नया ही रहेगा, यानी सेम रहता है 1:1। अगर आप मैथमेटिक्स से प्रूव करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स से भी कर सकते हैं, आर बराबर होता है V²sin(2θ/g), है ना, तो R=sin(2θ, तो आपके पास दो कंडीशन दे रखी, एक तो दे रखा है आपके पास 45+θ और एक दे रखा है 45-θ। अगर मैं 45+θ देखूंगा तो यहां ध्यान देना, अगर मैं 45+θ देखूंगा तो मेरे पास R=2 आ जाएगा sin(90-2θ, 90+2θ, 2 45 में रखूंगा इस थीटा की जगह पे, यहां तो 45 90+2θ, यहां से देखूंगा तो R=sin(90-2θ, राइट, तो ये 1:1 आ रहा है, नहीं 1:1 नहीं आ रहा है, देखते हैं अभी, तो R=2 क्या आ जाएगा, R=2 आ जाएगा ये cos थीटा, हाँ सही है,
आर प्रोपोर्शनल टू कॉस टू थीटा, दोनों में कॉस थीटा आ गया तो वन रेशियो वन ही आ रहा है, परफेक्ट, दोनों में प्रोपोर्शनल आ रहा है तो सी आंसर इज द करेक्ट। देखो एक तो हमने यहाँ से प्रूव कर लिया था ये सोच के एसआर पे, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर 45 पे 90 है तो 45 से ऊपर जाओगे और 45 से नीचे दोनों जगह सेम जा रहे हो तो आर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बराबर ही रहेगा, और मैथमेटिक्स से भी प्रूव कर दिया। वेरी गुड बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13, किसी प्रक्षेप की क्षैतिज परास उसकी महत्तम ऊंचाई की 4 गुनी है, वही आर बराबर 4h cot थीटा, इसने बोल रखा है क्षैतिज परास आर महत्तम ऊंचाई की है 4 गुनी है, h की क्या है 4 गुनी है, तो आर बराबर क्या लिख सकते हैं आप 4h। क्वेश्चन कर लो फटाफट, आर बराबर यहां रख दीजिए ये कितना हो जाएगा 4h, ये हो जाएगा आपके पास 4h cot थीटा, इससे ये कट जाएगा 1, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45। सी बराबर है ना एकदम। क्वेश्चन नंबर 14, एक गेंद जिसकी गतिज ऊर्जा E है 36 से 45 अंश पर फेंकी जाती है, उड्डयन काल के दौरान उच्चतम बिंदु पर काइनेटिक एनर्जी निकालो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त करिए। हो गया बेटा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, इतना ही टाइम मिलता है, टाइम ओवर। इसने यहाँ पे 45 डिग्री पर फेंका है और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है ई, मैक्सिमम पॉइंट पर वेलोसिटी हो जाती है वी कॉस थीटा, तो ये जो वी कॉस थीटा हो जाएगा तो ये वी कॉस 45 तो हो जाएगा आपके पास वी अपॉन रूट टू। काइनेटिक एनर्जी जो ई होती है यहाँ होती है हाफ एम बी स्क्वायर, यहाँ पे मेरे को काइनेटिक एनर्जी ई टोटल निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी वाली जिसने काइनेटिक गतिज ऊर्जा पूछी है, काइनेटिक एनर्जी ई निकालनी है ई डैश, तो हो जाएगी हाफ एम वी डैश स्क्वायर, इसको मैंने वी डैश बोला है, तो वी डैश की वैल्यू लगा देंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर बाई टू, रूट टू का टू हो जाएगा, तो ये हाफ एम वी स्क्वायर क्या है ई है, तो कितनी हो जाएगी ई बाई टू, एनर्जी कितनी हो जाएगी ई बाई टू, बम्बई इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बच्चों का आंसर आ गया। चिराग शर्मा, आरती कुंतल, कुमकुम, जीतू, विजय, सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 करो, एक वस्तु को वेलोसिटी v बराबर 3i प्लस 10j के साथ प्रोजेक्टाइल किया गया, वस्तु द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई और परास, इस क्वेश्चन को करके बता दो, जो बच्चा पूरा एक्सप्लेन करके इस क्वेश्चन को सबसे पहले करके दिखाएगा उसको 10 रुपये का पेटीएम, दाहिर सीना 10 रुपये का पेटीएम होगा अभी तुरंत, सबसे पहले जिसका कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाएगा, जिसका कमेंट बॉक्स में आएगा और सही आना चाहिए, सही आना चाहिए प्रमाण सहित पूरा अच्छी तरीके से। जो सबसे पहले करके दिखाएगा उसका आंसर आएगा, चलो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, किसी का कमेंट नहीं आ रहा है, लटिया डूब गई, धुआंधार लग रहे हो, लगे रहो मुन्ना भाई है। एक वस्तु को तल में, पहले तो ये समझो डी, अच्छा एक बच्चे ने दिया डी, अच्छा गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग डियर सर, आ जाओ, क्वेश्चन टॉप का है, अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, और आपको खुशखबरी बताएं, संडे को मेरी महामैराथन आ रही है रोजगार विदंग के चैनल पे, सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक लगातार दस घंटे की महामैराथन क्लास है दोस्तों, भयंकर क्लास है, तैयार रहिएगा। 10 रुपये मिलेंगे आशीष, बिल्कुल मिलेंगे, टेंशन मत लो, पहले इसका आंसर बता आशीष, तू बता दे, तू तो बता देगा गधे, क्वेश्चन देख कितना स्ट्रांग लिया है, तू कहता है ना गुरु जी नए क्वेश्चन लिया करो, तूने देखा भी नहीं हुआ इसको।
सबने नए क्वेश्चन है, पूरी टोटल सीट न्यू, ए टू जेड क्वेश्चन नया, किसी भी पुराने सेट से कोई मैच नहीं करता। आ जाओ भाई, ये क्वेश्चन ये दे रखा है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसकी वेलोसिटी दे रखी है आपके पास, ये जिसका मान है आपके पास 3i + 10j। मैंने काफी टाइम दे दिया, अब आप देख लो ऐसे, फिर कहिए कहोगे समझ में नहीं आया। ठीक है, 3i का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पे कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, 3 m/s से। 10j का मतलब है कि वाई एक्सिस पे 10 m/s से, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इसने कहा है अधिकतम ऊंचाई, प्राप्त अधिकतम ऊंचाई निकालनी है और रेंज, तो हाइट कौन देगा, 10 m/s, परपेंडिकुलर वेलोसिटी हाइट और टाइम देती है, और रेंज देता है टाइम और लीनियर वेलोसिटी। तो पहले आपके पास परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी है, 10 m/s, तो आपको हाइट निकालनी है, तो हाइट निकलती है v² / 2g से। एक बच्चे का आंसर आया था डी, वो भी गलत था, इसलिए किसी को कोई इनाम नहीं मिलेगा। पहली बार में आंसर आना चाहिए था, सही आना चाहिए था, समझ गए होंगे आप। v² कितना हो गया, ऊपर वाला परपेंडिकुलर वेलोसिटी 10 100 / 2g, जी का मतलब 10, इससे कट जाएगा तो यह आ जाएगा 5 m, तो हाइट कितनी आ गई थी 5 m। ए आंसर है इसका, क्या है इसका आंसर, ए हाइट 5 m आ गई। अब आप टाइम निकाल लीजिए, टाइम कितना आएगा 2v/g, क्योंकि टाइम बिना रेंज नहीं आएगी, 2v, v कितना दिया है आपको 10 / g 10, तो इससे आ जाएगा 2 s, टाइम आ गया। अब आपको रेंज निकालनी है, रेंज जो होती है वो लीनियर वेलोसिटी इंटू टाइम होती है, लीनियर वेलोसिटी कितनी है 3 और टाइम कितना है 2, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 6 m, कितना आ जाएगा 6 m, ये रहा, ये आंसर इज द करेक्ट। आरती ने दिया है, ऐसे नहीं चलता है, सबसे पहले देना था, पहले देने वाला गलत था। एक बच्चे ने दिया कविता सैनी, करेक्ट आंसर ए है, और ऐसे तो किया ही नहीं होगा तुमने, करते ही कहाँ हो, तो मेहनत कहाँ करते हो, समझ में आया, मजा आया कि नहीं आया क्वेश्चन में। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, अभी क्वेश्चन नंबर 16, बहुत गजब का क्वेश्चन है, सीन दिख रहा है आपको इसमें, ये क्वेश्चन दिया है, ये बी पॉइंट है, यू वेलोसिटी ए है, ये ए है और ये एक्स एक्सिस है, यू बाई एक्सिस है। आपसे बोला गया है प्रक्षेप के प्रारंभिक बिंदु ए पर वेलोसिटी दे रखी है, ए पर ये रही, तो वेलोसिटी बी पे बतानी है। चलो इसको बता दो, इस क्वेश्चन को बताओ, इस क्वेश्चन को बता दो, मान जाऊंगा मैं। ए पर वेलोसिटी कितनी दी है, 2i + 3j m/s, यहां पे वेलोसिटी बतानी है बी पे, आए 10 रुपए, बताया ही किसने था, तो मिले 10 रुपए। क्या शर्त, क्या थी शर्त, भूल गए, सबसे पहले देना है और करेक्ट देना है। कमेंट में पहला आंसर आया था डी, जो गलत था, कैंसिल हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, देखिए जब यहां पर वेलोसिटी है तो लीनियर वेलोसिटी जो है वो 2i है, ये नहीं चेंज होगी, लेकिन यहां पे परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी है 3j, यहां पे आने पे लीनियर वेलोसिटी इतनी रहेगी 2i, लेकिन परपेंडिकुलर हो जाएगी नीचे की ओर माइनस का 3j, इसलिए ये वेलोसिटी हो जाएगी 2i - 3j, 2i - 3j इज द राइट आंसर दिल्ली। 16वें का ए बता रहे हो, अब गलत, शुभम डी बता रहा है, ये सही है, वगैरह का भी बता रहा है गलत, राहुल का डी सही है। अब देव गलत आंसर बता देते हैं ना, उसको काट देते हैं कमेंट में से, डी इज द राइट आंसर। केवल क्या बदलेगा, वाई एक्सिस बदलेगी, केवल वाई एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, एक प्रक्षेपण शास्त्र के अधिकतम परास के लिए प्रक्षेपण किया गया कि प्रारंभिक वेग 20 m/s, जी का मान इतना है, परास मैक्सिमम रेंज बतानी है, फॉर्मूले का क्वेश्चन है भाई ये, तो आर मैक्सिमा होता है v² / 2g,
तो 20 स्क्वायर कितना है, 20 का स्क्वायर अपॉन 2g 10, 400/20, तो आंसर कितना आ जाएगा, 20 मीटर। राइट आंसर ए, ए इज द राइट आंसर, तुमसे पहले बता दिया मैंने, 17वें का ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प्रक्षेप गति में उच्चतम बिंदु पर वेग। ये तो अलवा क्वेश्चन है यार, ये तो बता दो, अभी बताया था यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, ये भी है, तो यहाँ वेलोसिटी क्या होती है, फटाफट जवाब दे दीजिए। वेरी गुड, ये क्या होती है, वी कॉस थीटा। मैक्सिमम पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती है, वी कॉस थीटा, बम्बई। क्वेश्चन नंबर 19, एक वस्तु 36 से 30 अंश के कोण पर 9.8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से कितने समय पश्चात पृथ्वी से टकराएगी। फॉर्मूले का क्वेश्चन, फॉर्मूले का क्वेश्चन है, टाइम पूछा है, क्या होता है 2v साइन थीटा ओवर जी, 2v वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 9.8, साइन थीटा साइन 30 बटे जी 9.8, ये कट गया साइन 30 से, ये दो कट गया, 1/2 यानी 1, कितना आ गया 1 सेकेंड। तुमसे पहले बताया मैंने बी आंसर, ओ पहले मुझसे पहले भी बता दिया भाई बच्चों ने, राहुल ऐसे पिछले क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, देखे आपने मेरे मॉक टेस्ट में स्टार्टिंग में क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं, फिर उसके बाद सिंपल होते हैं, इसीलिए ध्यान रखो, पेशेंस रख के रखो, बढ़िया क्वेश्चन है ये, ये कभी कभी बीच बीच में भी बढ़िया क्वेश्चन आ जाता है। बढ़िया क्वेश्चन, एक दिए गए वेग के लिए किसी प्रक्षेप की दो प्रक्षेपण कोणों पर क्षैतिज परास आर समान है। आर कब समान होता है, जब थीटा और 90 माइनस थीटा पर फेंके, तो थीटा या 90 माइनस थीटा पर फेंकोगे तो आर समान मिलेगा। अगर हम किसी भी प्रक्षेपण को अगर हम थीटा पर फेंकें या 90 माइनस थीटा पर फेंकें, दोनों बार हमें आर ही मिलता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो आर का जो मान मिला है हमें, वो मिला है वी स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, पहली इक्वेशन। इन दोनों कंडीशन में टाइम पीरियड टी वन कितना है, 2v साइन थीटा ओवर जी, ये t1 आ गया, t2 आ जाएगा 2v साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी। समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये देखो, बाद में करते रहेंगे क्वेश्चन को, तो समझ गए आप, तो मैं इसको लिख दूंगा 2v कॉस थीटा ओवर जी। t1 t2 करो दोनों का मल्टीप्लाई, t1 t2 करूंगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, वी और वी वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे जी स्क्वायर। बात समझ गए, यहां से अगर मैं इस क्वेश्चन को समझूं तो मेरे पास ये आ जाएगा 2, एक साइड में छोड़ दो वी स्क्वायर एक साइड में, और ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक यहां जी ले आओ और एक यहां जी छोड़ दो, तो मेरे पास आ जाएगा ये 2v स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी इंटू जी, ये t1 t2 आ गया। यहाँ गौर दीजिए, r की वैल्यू v स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, देखो r स्क्वायर r की वैल्यू ये आ गई। एक बंदा आंसर दे दे फिर तो देते ही चले जाते हैं, उल्लू है ना, एक लंग से गलत दे रहे हैं, गधे हो, नीच, उल्लू हो, पागल हो, बुद्धि से भ्रष्ट, बेवकूफ, और कुछ कहें, और कुछ कहें गंदा है, मन नहीं करता यार फिर पढ़ाने का, एक लंग से गलत ही गलत। पास में होते हैं ना, पटाक कान पे, एक जा कान पे, एक जा कान पे, न्यूटन को सबरे लॉ ने लगा देते, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन सबरे। अब यहां ध्यान देखो, वी स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, ये किसकी वैल्यू दे रखी है, आर, तो मैं इसको आर लगा दूं तो ये हो जाएगा 2r अपॉन जी, और 2 और जी कांस्टेंट है, तो यहां से आ जाएगा t1 t2 बराबर आ गया 2r अपॉन जी,
इतना आराम से कर रहा हूँ क्वेश्चनों को फिर भी। और यहां से टी वन टी टू की वैल्यू आ जाएगी प्रोपोर्शनल टू आर। बात आई समझ में? यू अखिल, इसलिए आ जाएगा बम्बई आंसर। ए बता रहे हैं उल्लू, ए कहने ये बता दो फिर लाइन लगा देता। ए ए जो कर रहा होता है ना क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हो तो क्या वो छोड़ देता, जो ए ही होगा मार कमेंट ए आधे पे छोड़ दे वो मेहनत करना। नीचा ओ नीच, गांव की भाषा में सुना है तो नीच। नीच कौन था कहें? नीच नीच क्या मतलब? बुद्धि भ्रष्ट वाले से कहता है, जाके बुद्धि भ्रष्ट है जानते का, जो मेहनत कम करना चाहे सिर्फ तुक्का मारना चाहे उसकी डेफिनेशन नीच। डेफिनेशन ऑफ नीच, नीच की परिभाषा बताओ, जो मेहनत करते हुए छोड़कर आंसर को तुक्का मार दे उसे नीच कहते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 21, प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई पर चाल उसकी प्रारंभिक चाल की आधी है। प्रक्षेप का कोण बताओ, प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई पर चाल, अधिकतम ऊंचाई पर चाल होती है v cos थीटा। प्रारंभिक ऊंचाई, प्रारंभिक की यह आधी है, इसका कहने का मतलब है ये वेलोसिटी कितनी है प्रारंभिक की आधी है, ये v by 2 है। v से v काट दोगे तो यहां से आ जाएगा cos थीटा बराबर 1 by 2, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60। क्वेश्चन में जो कहा है वो करना है। समझ में आया कि नहीं है? ट्रिक नहीं है कोई ब्रांड पृथ्वी राजपूत, ट्रिक नहीं है कोई नहीं है यार इसकी क्या ट्रिक कराऊं? पीछे वाले क्वेश्चन की गधे, वो शॉर्ट ट्रिक ही है, शॉर्ट ट्रिक की डेरिवेशन करवाई है उसने उल्लू, ये शॉर्ट ट्रिक की डेरिवेशन है कि रेंज टाइम के साथ किस प्रकार रोल निभाती है, ठीक है ये आर प्रोपोर्शनल टू टी वन टी टू ब्रांड। हाँ जी ये डायरेक्ट क्वेश्चन 22, एक क्रिकेटर किसी गेंद को अधिकतम 100 मीटर की क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, समान प्रयास से वह गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर फेंकता है तो गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई अभी तो कराए थे, रेंज कितना फेंक सकता है 100 मीटर, तो हाइट में कितना फेंकेगा 50 मीटर। लगती है तू प्यार की मौड़ी खत्म, एक झटका क्वेश्चन। विजय राघव सर आपकी शादी करा दें, मौसी है हमारी, मौसी को बोलना थैंक यू सो मच। आगे बढ़ो, हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, एक क्रिकेटर एक गेंद को अधिकतम 100 मीटर की क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, गेंद का प्रक्षेपण वेग होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, यानी एक गेंद को अधिकतम 100 मीटर की क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है। रेंज जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 100 मीटर, और यह क्या होता है वी स्क्वायर अपॉन जी 100, तो वी स्क्वायर बराबर 1000, वी बराबर अंडर रूट 1000, इसको बोल सकते हैं 10√10, लमसम 32, देखो कहाँ है क्योंकि अंडर रूट 10 की वैल्यू 3.2 के लमसम होती है। कुमकुम सर आपको भैया मौसा बनाना चाहते हैं, हप पढ़ लो तो कल ऑफलाइन आओगे ना बहुत मारूंगा, उल्टे लटका दूंगा उल्टे सबको, उल्टे लटका के तब पूछूंगा बेटा अब बताओ कौन करेगा शादी। हाँ जी हो गया, हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ज्यादा तेज तो नहीं कर रहे हैं, एक बच्चा बोल रहा था सर बहुत तेज कराते हो, रिलैक्स है हम तो। एक वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए प्रक्षेप का उड्डयन काल किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, अभी तो पढ़ा था, किससे ज्ञात किया जाता है वर्टिकल से, यानी ऐसे अगर कोई वेलोसिटी आ रही हो इसी से ही टाइम निकलता है, से ही टाइम निकलता है
एंड हाइट निकलती है परपेंडिकुलर। आशीष आशीष कोई तो करेगी सर है कदे सर तो ढंग से लेकर तू ही कर ले मुझसे। वैसे भी मेरे साथ तो रहा ही है तू। हाँ भाई डायलॉग मारना भी तो भूला नहीं। स्टूडेंट को भी चिंता है आपकी। अब तेरी नौकरी लग गई जॉब लग गई ठीक ठाक पैसा हो गया तेरे पास अब तू तो शादी कर ले अपनी शादी में बुला ले हमें। अब क्यों भाई आशीष डायलॉग मार रहा है रुक जा मिल किसी दिन तुझे बताते हैं। तू ढूंढ दे यार कोई बढ़िया सी हो तो सुंदर सी कन्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन खत्म होने जा रहे हैं क्वेश्चन है ना फिर बातचीत करेंगे मस्त वाली 4 बजे वाली में 4 बजे क्लास में जरूर आइएगा सभी स्टूडेंट 25 स्टूडेंट लाइव है और 60 अभी तक आए थे जिसमें से 25 कंटिन्यू है। पहले आप करके लट्टू पर चढ़ा दे। हाँ जी ठीक है ल्यूसेंट बुक का सॉल्यूशन आएगा और आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोगा समीकरण बड़ी भयंकर भयंकर शॉर्ट ट्रिक पढ़ाऊंगा आपको उसमें। किसी प्रक्षेप की क्षैतिज परास इसकी अधिकतम ऊंचाई की 4√3 गुनी है तो इसके प्रक्षेपण कोण का मान बताओ फटाफट बता दो। सर है मौसी हमारी कर लो वो जानती हैं आपको बट क्या मजाक कर रहे हो। विजय राघव कौन है भाई इसकी आईडी चेक करना। विजय राघव को निकालो है कौन इसका पूरा चाटा चिट्टा निकालो आप बहुत अच्छे लगते हैं उनको। मैं बहुत बेकार आदमी हूँ भाई इतना अच्छा भी नहीं हूँ। चलो भाई आ जाओ ध्यान से एक्चुअली समय नहीं है दोस्त इन सब फालतू की चीज़ों के लिए कहाँ मिलता है टाइम यार। अब देखो सुबह से शाम तक नॉन स्टॉप क्लास ही क्लास में जिम करने के लिए भी समय ऐसे तैसे निकालना पड़ता है पीडीएफ लगा के जाते हैं भक्के जाते हैं 2 घंटे की जिम 1.5 घंटे में कवर कर रहे हैं। आ जाओ प्रक्षेप की क्षैतिज परास इसकी अधिकतम ऊंचाई की आर बराबर क्या होता है 4h cot θ। इसने कह रखा है कि क्षैतिज परास इसकी अधिकतम ऊंचाई की 4√3 है 4√3 है तो यानी रेंज की वैल्यू दे रखी है 4√3h हो जाएगा 4h cot θ। आपके पास 4h से 4h कट जाएगा तो cot थीटा बराबर √3 तो थीटा बराबर 30 दिल्ली इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया विजय राघव देहरादून से अच्छा लाइव देख लिया होगा किसको बहुत अच्छे बहुत बढ़िया। कोई बुआ से शादी करा रहा हो सर कोई मौसी से शादी करा रहा हो बालक है इनकी सबकी हिस्ट्री निकालो बुआ मौसी सबको इकट्ठा करके लाओ। चलो एक काम करते हैं जैसे महामैराथन क्लास नहीं लगाते ऐसे ही सम्मेलन लगा लेते हैं शादी का सम्मेलन। आरती कुंतल डी आंसर कुमकुम बिटिया डी आंसर बहुत बढ़िया बिटिया। जीतू शर्मा पंडित जी अब तो तुम बता ही दोगे आंसर टिप की दुनिया बता दे। कविता सैनी डी बढ़िया रही ना आज की क्लास अच्छे क्वेश्चन दे है ना अच्छा लगा कि नहीं लगा बढ़िया लगा क्वेश्चन आवाज वगैरह सब बढ़िया आई। अब टाइम बचा है 4 बजने वाले हैं तुरंत लाइव आ जाना सभी ध्यान रखना तुम्हें अपनी अपनी गर्लफ्रेंड की कसम है गर्लफ्रेंड की जो गर्लफ्रेंड ही होती हैं तुम लोगों की लड़कियों के तो बॉयफ्रेंड होते ही नहीं है वो तो बड़ी सज्जन होती हैं जी है ना तो तुमको जितने भी लड़के देख रहे हैं उन सबको अपने अपनी गर्लफ्रेंड की कसम है ध्यान रखियो बेटा सिंगल हो जाओगे सब सिंगल हो जाओगे अगर तुरंत क्लास में नहीं आए तो 25 के 25 स्टूडेंट तुरंत क्लास में आ जाओ